न्यूज 18 राइसिंग भारत 2024 समिट के मंच पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के शक्ति शब्द को लेकर दिए बयान पर जमकर घेरा। वहीं स्मृति ईरानी ने अमेठी में लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि अगर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी भी मैदान में आती हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये कह रहे हैं कि वो शक्ति को हराएंगे। देखिए, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को एक क्लैरिफाइड पोजिशन में अब रखा है। कहा है कि मैं उस शक्ति का उल्लेख नहीं कर रहा जिसका धर्म से कोई संबंध हो, लेकिन आज के एक एक्सपेंसिव कम्युनिकेशन और मीडिया के दौर में उनकी शब्दावली छुपी नहीं है किसी से देश में। ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने मेरे धर्म हिंदुइज्म के खिलाफ कोई वक्तव्य दिया हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर वाकई में वो सेक्युलर हैं तो धर्म की आड़ में ना लड़ें, मुद्दों के आधार पर लड़ें। स्पष्ट रूप से पूरे राष्ट्र ने उनको सुना जब उन्होंने कहा कि शक्ति जिसका हिंदू धर्म में उल्लेख है वो उससे लड़ना चाहते हैं। तो मैं तो एक हिंदू के नाते इतना ही कहना चाहती हूं कि आज तक जिसने मेरे धर्म को, मेरे आराध्य को ललकारा है उसका क्या हश्र हुआ है? कोई रामायण, गीता, महाभारत पढ़ ले, उसको इस बात का अंदाजा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई हमसे ये कहे कि हम उनके शब्दों को समझ नहीं पाए और शायद उनका उल्लेख जो था वो राजनीति के कॉन्टेक्स्ट में था, धर्म के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, तो मैं जानना चाहती हूँ किस शक्ति से लड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश में चार शक्तियों का विशेष उल्लेख किया। एक नारी शक्ति, दूसरा युवा शक्ति, तीसरा कृषि की शक्ति और चौथा वो गरीब जो अब उत्थान की ओर बढ़ रहा है। तो इन चारों में से किस शक्ति से राहुल गांधी लड़ना चाहते हैं? ये वो शक्ति की बात कर रहे हैं जो ईडी को कंट्रोल करती है, ईवीएम को कंट्रोल करती है। देखिए, पुरानी एक हिंदी में कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। अब जिसकी दाढ़ी ही तिनकों से भरी हो उसको थानेदार में भी चोर नजर आता है, लेकिन जिसने चौकीदार शब्द के इस्तेमाल के लिए सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग ली हो उसको ये फॉल्स ब्रावाडो शोभा नहीं देता। जिसने उपहास उड़ाया हो एक ऐसे व्यक्ति का जो एक जमाने में चाय वाला हुआ करता था, ये तो राजनीति की कैसी माया है कि अब उसको वो चाय वाला राजा दिखता है। अब जितना मैंने राहुल गांधी को सार्वजनिक रूप से सुना है, कई चीजों में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है। मैं एक क्लैरिफिकेशन मात मांगती हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बार बार घोषणा की सार्वजनिक कि आइए टेस्ट कीजिए। क्या एक बार राहुल गांधी गए? बड़ा आसान है तोहमत लगाना, लेकिन आप किस पे तोहमत लगा रहे हैं? लोकतंत्र पर आप लोगों की चॉइस पर तोहमत लगा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर तोहमत लगा रहे हैं, और आपको लगता है पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात इस जद्दोजहद में लगी है कि मोदी को प्रधानमंत्री बना दो। जद्दोजहद ये वोटर की है, क्योंकि वोटर ने 10 वर्ष की अवधि में मोदी को हर वचन की पूर्ति करते हुए देखा है। मैं अपना ही अगर लोकसभा क्षेत्र ले लूं, जहां पर 50 साल गांधी खानदान का राज रहा, 15 साल राहुल गांधी सतत वहां पर सत्ता में बने रहे, रूबिका जी वहां पर 1,09,000 परिवारों के घर तो पिछले 5 साल में बने हैं, 4,00,000 परिवारों को पहली बार जीवन में टॉयलेट मिला है, जहां 50 साल उनका खानदान रहा, अगर आप एक घर में मात्र 4 लोग गिन ले, 16,00,000 लोगों के पास 25,00,000 की आबादी में तो टॉयलेट नहीं दे पाया था ये खानदान। और ये ईवीएम पे शक कर रहे हैं? कोई आसान लड़ाई नहीं है। मैं 2014 में जब पहली बार लड़ने गई थी, मुझे रहने को किसी ने जगह नहीं दी, मुझे सीमेंट के गोदाम के ऊपर एक कमरे में रहना पड़ा, इतना खौफ था उस खानदान का। मैं जब 2014 में पहली बार गई तब वहां पर 2 लोग खड़े होने के लिए राजी नहीं थे। प्रेम की भाषा नहीं बोली जाती थी, खौफ की भाषा थी अमेठी में। आप मैंने कहा गांधी जी से, शरद यादव जी तो अब नहीं है, उनसे पूछे जिन्होंने अमेठी में कभी चुनाव लड़ा है। राजमोहन गांधी जी का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, लोगों को निर्वस्त्र किया गया है, गोलियां मारी गई हैं,
अमेठी के विपक्षी कैंडिडेट पे आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, गोली चली है भाई साहब। तो ये आज किसी को लगता है इन हाइंडसाइट कि अरे स्मृति ईरानी ने कोई सास बहु किया होगा इसलिए वोट पड़ गया। वहां 1,20,000 घरों में तो पहली बार बिजली मोदी ने दी है, आप बिलीव करेंगे? जहां 50 साल उनका राज था वहां 60% घरों में कभी बिजली नहीं थी। तो ऐसे इलाके में पहली बार चुनाव लड़ना कोई साधारण चुनाव नहीं था वो। तो जब आपको कहा गया कि आप वहां चुनाव लड़िए, या अब आपको कहा गया है कि अब कहीं ना कहीं आपने अमेठी को अपना घर बना लिया, आपका गृह प्रवेश घर बनाया है, गृह प्रवेश हुआ, उसकी आपको बधाइयां, लेकिन उसमें भी आपको 5 साल लग गए। हाँ, तो वो अटल जी की कविता है ना, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो अब तो जिसके पास नेता ऐसे हों, जिनकी कविताएं ऐसी हों, तो जोशीले होना उनके लिए संभव ही है। तो आपको ये खला नहीं, थोड़ा सा मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे ही क्यों भेजा गया अमेठी? बिल्कुल नहीं, मुझे तो ये अच्छा लगा कि उस खानदान को धूल चटाने के लिए पूरी पार्टी में मेरा ही नाम मिला था। अच्छा, लेकिन आप किसी चीज का मलाल नहीं आनंद जी। हाँ, आप कॉन्फिडेंट हैं कि वो नहीं आएंगे? आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं बड़ी विनम्रता से ये कह रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनकी आजमाइश नहीं हुई है, भाई बहन दोनों की। और विनम्रता का भाव इसलिए रखती हूँ रूबिका जी, क्योंकि 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ जी, जहां पर दोनों के दोनों मुखातिब हुए थे अमेठी से, और तब गांधी परिवार के उस सदस्य के पास उत्तर प्रदेश में सीट लड़ाने का दायित्व था, और 5 विधानसभा की सीटें हैं अमेठी में, और जो 4 विधानसभा क्षेत्र में दोनों ने मिलकर पग धरे थे, वहां 4 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की जमानत जब्त हो चुकी है 22 में ही। 2019 में कांग्रेस पार्टी अकेली नहीं लड़ी थी। कॉन्फिडेंस आपका है, आप यकीन के साथ कह सकती हैं कि नंबर्स में भी झलकेगा, और अगर हाँ तो उत्तर प्रदेश में आप 80 में से कितनी सीटें लाएंगे इस बार? देखिए, मैं ना योगेंद्र यादव जैसी कोई सेफोलॉजिस्ट हूँ, ना मैं राहुल गांधी जैसी कोई बुद्धिजीवी हूँ। मैं आपको इतना ही अश्योर कर सकती हूँ कि जो मोदी ने कहा है वो पत्थर की लकीर है, एनडीए अब की बार 400 पार। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।